लास्ट लेक्चर में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि अमेरिका के तृतीय विश्व के देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे हैं। मैंने आपको अभी तक तीन पॉइंट्स में बताया था कि किस प्रकार से अमेरिका ने साम्यवाद के परिशोधन की नीति अर्थात कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म इस नीति को अपनाया था तृतीय विश्व के देशों से निपटने के लिए। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आर्थिक सहायता की नीति के द्वारा अमेरिका ने तृतीय विश्व के देशों को इन्फ्लुएंस करने की या प्रभावित करने का प्रयास किया था। इसका मतलब हुआ कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एड भारी मात्रा में अमेरिका ने दी थी ताकि वह तृतीय विश्व के देशों को अपने इन्फ्लुएंस में ला सके। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अमेरिका ने सैनिक गठबंधन बनाए थे तृतीय विश्व के देशों के साथ, फॉर एग्जाम्पल सीटो, सेंटो, ये कुछ ऐसे सैनिक गठबंधन थे जो तृतीय विश्व के देशों के साथ बनाए गए थे और इसके माध्यम से भी अमेरिका ने तृतीय विश्व के देशों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इसके बाद आज हम उसके आगे देखेंगे कि एक और अमेरिका की पॉलिसी रही है, अमेरिका की नीति रही है, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति। इसका मतलब ये हुआ कि मिलिट्री बेसिस बनाए हैं अमेरिका ने विभिन्न तृतीय विश्व के देशों में। अपने मिलिट्री बेसिस के माध्यम से उसने इन तृतीय विश्व के देशों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। अमेरिका ने तीसरे दुनिया के देशों में सैनिक अड्डों, बंदरगाहों तथा तेल टैंकों आदि की सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश की है। हिंद महासागर में अमेरिका ने न केवल स्थायी सैनिक अड्डे बनाए हैं बल्कि उसे अनेक तटवर्ती देशों की हवाई पट्टियों और बंदरगाहों के प्रयोग की सुविधाएं भी उपलब्ध है। इसको देखते हुए हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका ने भारत के बहुत ही करीब हिंद महासागर में डियागो गार्सिया नामक एक बहुत प्रमुख बंदरगाह बनाया है ताकि वहां से वो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन के समीप जितने भी देश हैं उन पे अपना दबदबा बना सके। इसी प्रकार से इजिप्ट में या मिस्र में उसने अपना एक हवाई अड्डा बनाया है। शर्म अल शेख ये भी इजिप्ट में मिस्र में एक बंदरगाह है जहाँ पे अमेरिका ने अपना नौसैनिक अड्डा बनाया है। सोमालिया ये एक अफ्रीका का देश है, इसमें अमेरिका ने बर्बेरा एक जगह है वहाँ पे अपना सैनिक अड्डा बनाया है। इसी प्रकार से पाकिस्तान में गवादर एक बंदरगाह है कराची में, उसमें अपना एक नेवल बेस बनाया है। कीनिया में मुम्बासा में बनाया है उसने अपना एक आर्मी का बेस। ओमन में मसीरा हवाई अड्डा बनाया है। इसके अतिरिक्त उसने बहरीन में, सऊदी अरब में अपने आर्मी के बेस बनाए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं चाहे वो एशिया हो या अफ्रीका हो, इन सब यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में अमेरिका ने अपने नौसैनिक तथा वायुसेना के अड्डे बनाए हैं। जब इतना बड़ा सुपर पावर या महाशक्ति अपना एक आर्म्ड बेस बना लेता है किसी तृतीय विश्व के देश में तो वह तृतीय विश्व का देश बहुत हद तक उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है या उसके सप्रेशन में आ जाता है। तो अमेरिका की ये नीति
रही है कि वो द्वितीय विश्व के देशों में अपना दबदबा बनाने के लिए अपने सैनिक अड्डे बनाने की नीति को बनाए रखता है। इसका मतलब है कि वो अपने मिलिट्री बेसिस इन देशों में बनाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका की एक और पॉलिसी रही है, वो है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि अमेरिका तृतीय विश्व के जो देश है उनकी जो आंतरिक राजनीति है, उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें भी बहुत हद तक इंटरफेयर करता है। चाहे हम इसका एग्जाम्पल, रीसेंट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे इराक में आपने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका ने अपनी सेनाएं भेजकर वहां से सद्दाम हुसैन को का तख्ता पलटवाया और सद्दाम हुसैन की अल्टीमेटली हत्या हो गई। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से लीबिया में रिवॉल्यूशन लाया गया और अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप था और लीबिया में क्रांति लाकर उसने कर्नल गद्दाफी की जो सत्ता थी उसको समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं सीरिया में, पनामा में, दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं वहां पर, इसी प्रकार से अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं वहां पर, अमेरिका ने वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स यानी कि आंतरिक राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया है। तो हम ये पाते हैं कि अमेरिका की एक नीति रही है कि वह चाहता है कि तृतीय विश्व के देशों में वही सरकारें बने, वही लोग सत्ता में आए जिन्हें अमेरिका पसंद करता है। इसलिए वह तृतीय विश्व के बहुत सारे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स या आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करता रहता है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी यह अमेरिका की इच्छा पर निर्भर करता है। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से अमेरिका तृतीय विश्व के देशों में अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाए रखता है। इसी प्रकार से एक और नीति है अमेरिका की, वह है आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपीरियलिज्म चाहता है। इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपीरियलिज्म से मतलब है कि अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना प्रभाव, अपनी अर्थव्यवस्था तृतीय विश्व के देशों पर लादना, ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉलिसी या नीति रही है। तीसरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से अमेरिका आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना में प्रयत्नशील है। अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों की लूट का एक माध्यम बना हुआ है। विकासशील देशों में सस्ते श्रम, कच्चे माल तथा शोषण की तीव्रता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी से प्राप्त लाभ की दर सर्वाधिक ऊंची है। अमरीकी व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1950 से 1965 के बीच अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यूरोप में विनियोजित पूंजी पर 74% और विकासशील देशों में विनियोजित पूंजी पर 264% लाभ कमाया है। इसी प्रकार से अमेरिका ने तृतीय विश्व के देशों में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना का भी प्रयत्न किया है। अमेरिका के सांस्कृतिक केंद्र, अमेरिकी पुस्तकालय, अमेरिकी पत्र पत्रिकाएं, स्कॉलरशिप योजनाएं, वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रसारण जो कि अमेरिका का एक सरकारी रेडियो
का चैनल है अमरीकी सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के प्रमुख उपकरण रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अमेरिका ने अपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको तृतीय विश्व में बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश करवाया है और वहां से सस्ता माल खरीद रहा है, सस्ता लेबर ले रहा है, वहां से वहां का एक्सप्लॉयटेशन एक तरीके से शोषण कर रहा है और उसका जितना भी फायदा है, लाभ है, बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, वो अमेरिका को डायरेक्टली मिल रहा है। इसी प्रकार से अमेरिका सांस्कृतिक या कल्चरल इन्फ्लुएंस भी डालता है। बहुत सारे अमेरिकन लाइब्रेरीज खुली हुई हैं तृतीय विश्व के देशों में, अमेरिकन मैगजीन्स जर्नल्स आते हैं, अमेरिका बहुत सारी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, वॉइस ऑफ अमेरिका गवर्नमेंट चैनल है एक रेडियो का अमेरिका का, वो तृतीय विश्व के देशों में सुनाया जाता है। तो इस तरीके से अमेरिका अपना एक कल्चरल इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक प्रभाव भी तृतीय विश्व के देशों पर बहुत ज्यादा डालता है और उसका असर भी हमको नजर आता है कि किस प्रकार से हम ही भारत में अगर हम देखें तो हम अमेरिका के कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक और जो अमेरिका की पॉलिसी रही है वो है दबाव की नीति, वो प्रेशर बनाता है, इट इज अ पॉलिसी टू प्रेशराइज। तो अमेरिका की हमने अमेरिका के विषय में हमें पता है कि वो तृतीय विश्व के देशों को अपने से कमतर समझता है, अपने से कमजोर समझता है और इसीलिए वो उन पर दबाव बनाता रहता है। 1975 का एक हमारे पास एग्जाम्पल है कि 1975 में अमरीकी बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने मेक्सिको की सरकार पर दबाव डाला कि वह अपने श्रम कानून को, जो मजदूरों को थोड़ा संरक्षण देता है, उसे बदल डाले। जब मेक्सिको की सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया तो कंपनी ने अपना कारखाना वहां से बंद करके कोस्टा रिका, एक और दक्षिण अमेरिका का देश है कोस्टा रिका, वहां ट्रांसफर कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मेक्सिको में 12,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। तो अमेरिका चाहता है कि जो पॉलिसीज हैं वो उसी के हिसाब से बने और जो इंटरनल पॉलिसीज हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की वो उसी के हिसाब से बने और इसीलिए उसने मेक्सिको को प्रेशराइज किया कि वो अपनी लेबर पॉलिसीज को बदले। और जब मेक्सिको ने मना कर दिया कि हम अपनी लेबर पॉलिसीज को नहीं बदलेंगे तो उसने अपनी कंपनी, अमेरिका की जो कंपनी चल रही थी मेक्सिको में, उसको बंद कर दिया, जिससे 12,000 मेक्सिकन्स बेरोजगार हो गए। से पता चलता है कि कितना प्रेशराइज अमेरिका एज अ सुपर पावर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कर सकता है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि चिली में, जब जो चिली की सरकार थी उसने अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के राष्ट्रीयकरण के कदम उठाए तो जवाबी कार्रवाई के तरह अमेरिकन कंपनियों ने मिलकर जो अमरीकी राष्ट्रपति थे, जो राष्ट्रीयकरण करवा रहे थे कंपनीज का, उनकी हत्या करवा दी और सरकार का तख्ता पलटवा दिया। तो ये भी कितनी बड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स में हमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस दिखता है कि चिली की पूरी गवर्नमेंट को ही उन्हें हटवा दिया। इतना पावरफुल है अमेरिका कि चिली की पूरी गवर्नमेंट को उसने हटा दिया और चिली के प्रेसिडेंट की हत्या भी करा दी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे और जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, वो ये चाहती थी कि जितनी भी कंपनीज हैं चिली में उन सबका नेशनलाइजेशन किया जाए, वो गवर्नमेंट कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि उसकी कंपनीज जो चिली में हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल में आए, तो उनने सरकार का ही तख्ता पलटवा दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका तृतीय विश्व के देशों को प्रभावित करता रहता है। इसी के साथ ये वाला लेक्चर समाप्त होता है, हम अगले लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे।
धन्यवाद।